अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नबील आसिफ, आप मेरे चैनल देख रहे हैं ब्रीड्स। तो उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक भी सही चल रहा होगा। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी क्रूक मुर्गी को अंडर बिठाने का तरीका, वो उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो भाईजान, आज का टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। पहले आपसे गुजारिश की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो कैसे लगे उसके बारे में कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर कमेंट पर भी मैं वीडियो बना दिया करूँगा उस पर किसी भी मसले मुतलिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने जो मुर्गे हैं उनको गर्मियों से कैसे बचाया जाए, तो सबसे पहले ये देख लें आप ऊपर, ये ऊपर वाले केज में जो रेड कलर का जो मुर्गा बंद है, इनकी भी हालत अभी गर्मी की वजह थोड़ी ख़राब हुई हुई है। अभी मैं इनको, इनके ना दो तीन आ गए सही बेहतरीन। एक तो इनको ठंडी खुराक देनी चाहिए, तो रोटी दें आप, वो भी आप रात को भिगो दें, अब भिगी हुई रोटी दें, उससे इनका मैदा भी ठीक रहता है। घर में जो तरबूज के खपरे बेचते हैं आप वो डालें इन्हें। उसके अलावा दिन में एक आध दफ़ा लाजमी इनको मिट्टी पर छोड़ा करें, ताकि इनका जो टेम्परेचर होता है घरों का मिट्टी की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिन भाइयों ने रखी हुई छतों में मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, उनके पास तो ये मिट्टी के सहूलत मौजूद नहीं है, वो कोने पर ईंटों से ना थोड़ी सी जगह मिट्टी रख लें, ताकि अपना टेम्परेचर स्टेबल रख सकें। उसके अलावा जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनको मिट्टी पे छोड़ के किस तरह खेलते हैं। अभी आपको मैंने वो रेड वाला जोड़ा दिखाया उसको खोल के, उसमें अभी मैंने मिट्टी पे छोड़ा तो देखा आपने किस तरह वो मिट्टी में खेल भी रहे, तो उनका टेम्परेचर वगैरह भी स्टेबल हो। उनके लिए इससे मिट्टी का जो बेहतरीन का जो है ना, इससे उनको कीड़ा वगैरह भी नहीं पड़ते, जिस तरह के चिचड़ हो गए इस तरह। अभी ये मैंने नर पकड़ा, उसको मैंने अभी केज से निकाला, इसको मैं आपको दिखाया। तो जो फोर मारने का जो है ना तरीका, कुछ भाइयों को नहीं पता होता, के लिए आप साफ पानी ले लें, आपने इसके मुंह पे फोर मारना, मुंह पे परों के नीचे और दुम के नीचे, आपको मैं दिखा देता देखें। मैंने अभी इसके ऊपर फोर मारा है बिल्कुल, पहले इसने कैसे पिंजरे में मुंह भी खोला हुआ था गर्मी की वजह से, अभी माशाल्लाह देखें कितने सुकून में आ गया। तो ये एक मिनट ज़रा इसको बंद करके आया भैया। अभी आपको मैंने दिखाया है किस तरह उसके मैंने मुर्गे पर फोर भी मारा और किस तरह उसके टेम्परेचर उसका स्टेबल हो गया सारा। तो यही बेहतरीन तरीका है उनको गर्मियों से बचाने के लिए। कुछ भाई गलती करते हैं कि बिल्कुल ही बर्तन में उनको बिल्कुल ही टिपका देते हैं, वो वाला चीज़ खतरनाक है, उससे उनको ठंड लगने का भी डर होता है, क्योंकि एकदम से इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर वो एकदम से ठंडा हो जाता है। वो चीज़ भी नहीं ठीक कि पूरे बर्तन में पानी भर के तो आप उसके अंदर ही टिप करें।
तो ये वाला सही तरीका है, इससे उनकी टेम्परेचर भी स्टेबल रहेगा। तो जो गर्मियों की जो इनकी जो बेहतरीन खुराक है गर्मियों में इनको जो देनी चाहिए जिससे वजन भी पकड़े, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त।